नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक आसान तरीका जिसके सहारे आप आसानी से खड़े हो पाओगे और उसके बाद वॉकर पे चलना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह से चेयर पे बैठना है आराम से। तो अपने आपको दोनों साइडों से चेयर को पकड़ के तो लेग्स पे थोड़ा वेट डालना है और उठने की कोशिश करनी है। जितना आप उठ पाओगे, चाहे वो 4 इंच है, 5 इंच है, इस तरह से आपने अपने आप को उठाना है। और उठाते समय होल्ड रखना है और 5-10 सेकंड आपने होल्ड रखना है और इसी को आपने बार बार रिपीट करना है। जब आप जहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह से आपने ग्रिल विंडो की या कोई रॉड वगैरह कोई जो आपको सपोर्ट कर सके, मजबूत हो, तो उसकी हेल्प लेके आपने इस तरह से खड़े होना है। इस तरह खड़े होना है और जब खड़े होना है फिर आपने 2 सेकंड से शुरू करना है और 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड इस तरह से आपने इंक्रीज करते रहना है। और जब जहाँ पे अच्छी खासी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है खड़े होने में, तब आपने ट्राई करना है वॉकर पे खड़े होने की। और उसके बाद वॉकर पे चलना कैसे है वो मैं अगले वीडियो में आपको। तो ये था वो आसान तरीका जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से खड़े होना सीख जाओगे और जब आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहोगे कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाद जो वॉकर पे चलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बाकी कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।